Hi, I'm Uzma, and this is Dia. Hi. We own Cannoli, and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Aves is our manager. Aves? Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Aves, how long have you been working for us? I think the last 9 years. 9 years? Yeah. Aves was one of our first hires when we opened Cafe Soul. And how many classes have you taken for English? I think three. Three years, you mean? No. Three whole courses. 6 months, one class. One class. Yes. So a year and a half. You've studied English. Yes, ma'am. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce yourself. Hi, my name is Aves Atal, and I job their manager. And shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. This is what we paid for. And a very good salary, mind you. Thank you. इस्लामाबाद में कैफे मालिकान की अंग्रेजी ना आने पर अपने मैनेजर की तौहीन की गई है। अंग्रेजी से किसी हद तक नावाकिफ मैनेजर से भी इंग्लिश में फकरे सुनने की शाहाना ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। जिंदगी के कीमती 9 साल कैफे को देने वाला मैनेजर बेचारा तंजिया फकरे सहता रहा। ठीक से इंग्लिश ना बोल पाने पर बेचारे मैनेजर को सख्त खफत का सामना भी उठाना पड़ा। 9 साल से मैनेजर की नौकरी कर रहा है, इसकी अंग्रेजी तो देखो। ख्वातीन के तंजिया फिक्रे सोशल मीडिया पर कैफे मालिक ख्वातीन के खिलाफ ट्रेंड टॉप पर है और सारफीन का सख्त कार्रवाई का मुतालिबा भी किया गया है। मालिक ख्वातीन हर सूरत में मैनेजर से मुआफी मांगे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी ने। मंसूर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जैसा कि मंसूर आपने वीडियो मुलाहिजा की होगी, इस्लामाबाद में कैफे मालिकान की अंग्रेजी ना आने पर अपने मैनेजर की इस कदर तोहीन की गई है। हम किस मुआशरे में रहते हैं कि एक मुलाजिम की अब इज्जत भी जो है वो महफूज नहीं है? मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये एक बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि हमारे माशरे में उज़्मा और दिया जैसी खवातीन रहती हैं जिनका आज भी क्राइटेरिया लोगों का मजाक उड़ाना है। मैं सलाम पेश करता हूं अवैस जो मैनेजर है वहां का, और अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती और उसका तमाशा बनाया जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये खुद उज़्मा और दिया और कनोली जो रेस्टोरेंट है ये इनका अपने बीमार जहनियत बता रहे पूरी दुनिया को और पूरे मुल्क को। अंग्रेजी कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी बंदे के काम करने की डिस्क्रिप्शन पर। वो बंदा 7 साल से इनके साथ काम कर रहा है और अगर उसको इंग्लिश नहीं आती और आपको कोई कोर्स वो नहीं प्रॉपरली इंग्लिश बोल सकता, आप उसके काम के अंदर कोई खराबी आप तो उस पर जरूर बात करें, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन के ऊपर अगर आप बात करते हैं और उसके बाद उसका मजाक उड़ाते हैं तो मेरे ख्याल में ये खुद एक फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी की पैदावार है ये लोग, और इनके लिए यही काफी है कि पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान इस वक्त इन पर मलामत कर रहा है इनकी इस हरकत के ऊपर। ये जो पार्टीज में बैठ के लोगों के ऊपर मजाक उड़ाते हैं और लोगों की गुर्बत का और उनकी सिर्फ इसलिए कि वो किसी गरीब घर का है इसलिए उसका तमाशा उड़ाया गया है। मैं देखता ये किसी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का बच्चा होता या उसका भाई होता और उसको ना आती होती अंग्रेजी तो ये इस तरह उसका मजाक उड़ा सकते थे। वहां पर इसके होटल में बैठ के वो खाना भी खाता, इनको गालियां भी देकर जाता। सो आई एम वेरी सॉरी टू से दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर कनोली ऐसे रेस्टोरेंट्स और ऐसे खवातीन उज़्मा और दिया जैसी ये एक बीमार जहनीत की अक्कासी करती है और ये कहीं से पाकिस्तान का फेस नहीं हो सकती। ऐसी खवातीन हमारे माशरे को रिप्रेजेंट नहीं करती, हमारे माशरे में ये नहीं सिखाया जाता, ना ही हमारी ऐसी तरबियत है। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और जिस तरह इसको फेसबुक और यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर डाला गया और पूरे पाकिस्तान में, मैं आज दोबारा कहूंगा पूरे पाकिस्तान में जिस तरह इनको कंडेम किया है इनकी इस हरकत को, शायद इनकी किटी पार्टीज की वो 5-10 खवातीन इसको एक्नॉलेज करे कि हो तुमने तो बहुत बड़ा एक मजाक बना लिया अच्छा सा, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने जिस तरह कंडेम किया है और कंडेम करने बड़ा राइटफुली किया है। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया सिर्फ ये था कि उसको अंग्रेजी नहीं आती। बिल्कुल एथिकली भी ये हक नहीं है इस तरह से किसी के इंसल्ट की जाए।